एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों की उपेक्षा सरेआम सड़क पर नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ नजारा वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह के दौरान देखने को मिला, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के राज्यपाल राम नाईक मौजूद थे। तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में देर से शामिल होने का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस की मदद से दर्जनों टॉप 10 छात्राओं को घंटों गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया। जब हंगामे की स्थिति बनी तब जाकर छात्राओं को समझाने बुझाने के बाद कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मिली। हम लोग को बुलाया गया था यहाँ पे, लेकिन हम लोग को एंट्री नहीं मिल रही है यहाँ पे। कोई भी टाइमिंग नहीं बताया गया था कि कितने बजे आना है। जब हम लोग आए तो हम लोग को यहाँ पे जाने ही नहीं दिया जा रहा है अंदर। मैसेज जो हम लोग के पास आया है उसमें भी टाइम बाउंडेशन नहीं था कि हम लोग को एंट्री लेना है। रिहर्सल में टाइम बाउंडेशन नहीं मिला तो हम लोग टाइम से आ तो गए, लेकिन उस समय राज्यपाल सर की गाड़ी एंट्री कर रही थी, हम लोग यहीं खड़े थे, इसलिए कि उनके एंट्री के साथ हम लोग एंट्री ना कर, जैसे ही वो एंट्री के गेट बंद कर दिया गया, आधे से ज्यादा बच्चे गुस्से में चले गए हैं। BHU में वैसे ही छात्राओं के सम्मान को लेकर कई बातें सामने आई। ऐसे में बार बार यही बात दोहराना कहीं ना कहीं छात्राओं के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। न्यूज़ ब्यूरो।